भारत का सबसे अनोखा और लंबा किला, जिसके सभी द्वार। राजस्थान को भारत में राजाओं की भूमि कहा जाता है। इसने सदा ही अपनी प्राचीनता और खूबसूरती से लोगों को प्रभावित किया है। यह धरती हमेशा से ही विदेशी टूरिस्टों को आकर्षित करती रही है। यहाँ ढेरों किले हैं जो दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जिनकी महत्वता ने उनका नाम इतिहास में दर्ज करा दिया। उन्हीं में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग किले के बारे हम आपको बता रहे हैं, जो शायद बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है। आइए जानते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित सात द्वारों वाला दुर्ग किला बहुत खास है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह एकमात्र ऐसा किला है जिसके सात दरवाजे तो हैं ही एक शानदार स्विमिंग पूल भी है। यह दुर्ग किला 7वीं से 16वीं शताब्दी तक सत्ता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इसकी विशेषता इसके अनोखे मजबूत किले, प्रवेश द्वार, बुर्ज, महल, मंदिर तथा जलाशय है, जो राजपूत वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने हैं। भारत का सबसे लंबा किला। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में लगभग 700 एकड़ में फैले और 500 फुट की ऊंचाई वाली पहाड़ी पर स्थित इस किले की बनावट बहुत ही शानदार है। यही वजह है कि इसे भारत का सबसे लंबा किला भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, दुर्ग फोर्ट पहुंचना भी किसी सुखद यात्रा से कम नहीं है। एक खड़े और घुमावदार मार्ग से होकर जाना आनंद की अनुभूति कराता है। किले में 7 दरवाजे, जिनके नाम हिंदू देवताओं के नाम पर, इस किले में 7 दरवाजे हैं, जिनके नाम हिंदू देवताओं के नाम पर पड़े हैं। इनके नाम हैं पैदल पॉल, भैरव पॉल, हनुमान पॉल, गणेश पॉल, जोली पॉल, लक्ष्मण पॉल और अंत में राम पॉल। इस किले में सभी 7 दरवाजों से अंदर घुसकर एंट्री कर सकते हैं। यह किला प्रमुख पर्यटन स्थल। इस शहर को शूरवीरों का शहर भी कहा जाता है, जो पहाड़ी पर बने अनूठे दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। इस किले ने इतिहास के उतार चढ़ाव देखे हैं और यह किला इस शहर का प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो कई दर्शनीय और ऐतिहासिक स्थानों से परिपूर्ण है। बार बार मुगलों की चली तलवारें। इतिहास में दर्ज है कि चित्तौड़ पर बार बार मुगलों की तलवारें चलीं, लेकिन महाराणा प्रताप की इस वीर भूमि का किला पूरी तरह ध्वस्त नहीं किया जा सका। 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 28 जनवरी को चित्तौड़गढ़ पर धावा बोल दिया और 26 अगस्त को किला पूरी तरह से फतह कर लिया। कहते हैं गौमुख रिजर्वोयर स्थित स्विमिंग पूल में वह रानी को नहाते देख करता था। किले में एक जगह ऐसी है जहां से पूरे गढ़ की गतिविधियां दिख जाती थीं।